नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के शिवमोगा में नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में पादरी गिरफ्तार, पोक्सो के तहत मामला दर्ज। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की चुनाव समिति, अपर्णा सेन ने टीएमसी पर किया हमला। तेलंगाना में अल्पसंख्यक परिवारों को जल्द ही 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, वित्त मंत्री ने की घोषणा। मोदी सरनेम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस दिया। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिलहाल हुआ बंद, सिर्फ डेरा बाबा नानक से दूरबीन से कर सकेंगे दर्शन, जाने कब से खुलेगा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। उमनाबाद तालुका के सिंध बंदगी ग्राम में सरकारी प्रामाणिक स्कूल के आसपास व स्कूल मैदान में 4 दिन की बारिश से स्कूल में पानी भर गया है, जिससे विद्यार्थियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्कूल में गरीब घर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, इस तरह पानी होगा तो विद्यार्थियों को आने में दिक्कत होगी और ऐसे में विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता पवन कुंडा ने स्थानीय विधायक व इससे संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के शिवमोगा में चर्च के पादरी फादर फ्रांसिस फर्नांडिस के खिलाफ नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। शिवमोगा पुलिस ने बताया कि पादरी के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती थी। इस घटना के बाद शिवमोगा पुलिस स्टेशन के बाहर बंजारा समुदाय के सदस्यों ने पादरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो गई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन किया है। इसके लिए उसने सदस्यों को एक पत्र जारी किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर एक समिति का गठन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल रूप से मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने गुरुवार को कहा कि बीआरएस सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है। मंत्री हरीश राव ने जिला विहार में एक बैठक के दौरान यह घोषणा की। आगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर 1 हफ्ते या 10 दिनों के भीतर इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के उद्देश्य से ये पहले जल्द ही राज्य प्रतियोगिता योजना के रूप में लागू की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं। महमूद अली को तेलंगाना सरकार में 2 बार मंत्री बनाया गया है। हम मुसलमानों के लिए शादी मुबारक लागू कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य में बीआरएस सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है और अल्पसंख्यक समुदायों की सबसे अधिक संख्या में लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में सूरत अदालत ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि 7 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी। सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है, इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने बृहस्पतिवार को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी की है। यह कार्य यहां इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC से किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इस तरह की अगली कवायद 25 जुलाई को अपराह्न 2-3 बजे के बीच किए जाने की योजना है। इसने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के अवसर पर चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर करीब पहुंचा दिया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इससे पहले कहा था कि अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सफर पर है, अगले कुछ दिनों में लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का कार्य कर दिखाएगा। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023 के उद्घाटन भाषण में यह बात की। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि जहां तक विज्ञान की बात है, आप इस चंद्रयान 3 मिशन के जरिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। लैंडर को 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतारने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी पर फोकस करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस युग में टेक्नोलॉजी रोजगार का मुख्य चालक बन गई है और आगे भी कई सालों तक बनी रहेगी। इस सौभाग्य की बात है कि यह बैठक ऐसे देश में हो रही है जिसके पास पिछले ऐसे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के दौरान बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियां पैदा करने का अनुभव है। पीएम मोदी ने कहा, आज के समय में हम सभी को अपने कार्यबल को उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग में कुशल बनाने की आवश्यकता है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र है। भारत में हमारा स्किल इंडिया मिशन इसी वास्तविकता से जुड़ने का एक अभियान है। मणिपुर हिंसा को लेकर आज फिर संसद के दोनों सदनों में तेज हंगामा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर आप पिछले सत्र भी देखें तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बना रहा है। वो चाहता है कि सदन ना चले, चर्चा ना हो, क्योंकि चर्चा होगी तो उनकी कई सारी कलई खुल जाएगी। उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अब सदन के सदस्य नहीं रहे। इस कारण उनकी मंशा है कि सदन चले ही ना, जबकि कल सरकार ने साफ कर दिया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। रावी नदी में बढ़ते पानी के कारण गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में जीरो लाइन पर पानी भर जाने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिख तीर्थस्थल के लिए जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर को फिलहाल 3 दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाने के लिए 94 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था और बीते शुक्रवार को 25 श्रद्धालु डेरा बाबा नानक पहुंचे थे, जिन्हें दूरबीन से ही गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवा कर वापस भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि में भयानक आग लग गई। आग इतनी विकराल रूप में फैल चुकी है कि अभी तक उस पर काबू नहीं पाया गया। दमकल के 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। स्थानीय लोगों ने अचानक हावड़ा के मंगलाबाट की दुकानों को जलते हुए देखा और कुछ ही देर में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा मंगलाहाट जलकर खाक हो गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास से संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने युवक के पास चाकू और हथियार बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस का स्टिकर लगी एक गाड़ी भी मिली है। यह रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482297। देखिए बात बढ़ते आगे। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो बुधवार को वायरल हुआ, तब से लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स का भी इस घटना पर गुस्सा फूटा है। अब ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने भी इस घटना पर अपना कड़ा रिएक्शन दिया। हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो ट्राइबल महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की भयावह घटना पर प्रियंका चोपड़ा ने गुस्सा जाहिर करते हुए इसे सामूहिक शर्म बताया और पूरे देश से इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट में लिखा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जघन्य अपराध होने के 77 दिन बाद कार्रवाई किए जाने से पहले तर्क कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या और क्यों स्थिति जन्य या परिस्थिति जन्य हम महिलाओं को किसी भी मामले में खेल का मोहरा बनने नहीं दे सकते। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद एक महिला को निर्वस्त करके सड़क पर घुमाए जाने और फिर उसके साथ रेप करने के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने पत्र राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर 4 दिन में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं की जरूरत का सारा सामान वहां पर उपलब्ध हो और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा की जाए। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हमको जब शिकायत मिली हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम से बात की है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले पर उनको विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने की बात करें। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक के शिवमोगा में नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में पादरी गिरफ्तार, पोक्सो के तहत मामला दर्ज। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की चुनाव समिति, अपर्णा सेन ने टीएमसी पर किया हमला। तेलंगाना में अल्पसंख्यक परिवारों को जल्द ही 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, वित्त मंत्री ने की घोषणा। मोदी सरनेम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस दिया। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिलहाल हुआ बंद, सिर्फ डेरा बाबा नानक से दूरबीन से कर सकेंगे दर्शन, जाने कब से खुलेगा। केप न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केप न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।